हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों, अगर आप मारुति की नई ब्रीजा लेना चाहते हैं और उसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि VXI लें या ZXI लें या LXI लें, तो दोस्तों आपका समाधान यहां पे होने वाला है, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके सामने ब्रीजा के VXI और ZXI वर्जन का कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे कि आपके लिए कौन सी वैल्यू फॉर मनी होने वाली है और कौन सी कार आपको प्रेफर करनी चाहिए और कौन सी कार आपके बजट में रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए या पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने सिटी का नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि मेरी वीडियो कहां तक पॉपुलर हो रही है, ताकि मैं भी जान सकूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इस दोनों ही कार के प्राइस के बारे में। तो VXI का दिल्ली का एक शोरूम प्राइस अवेलेबल होता है 9,46,000 रुपए। वहीं बात करें ZXI वर्जन के प्राइस की, तो ZXI वर्जन का प्राइस शुरू होता है तकरीबन 10,86,000 रुपए। तो दोस्तों 1,40,000 रुपए का दोनों के एक शोरूम के प्राइस में फर्क है, बट दोनों में क्या डिफरेंट आपको मिलता है, क्या चीजें बेहतर आपको ZXI में मिलती हैं और क्या फीचर आपको VXI में मिलते हैं, इस वीडियो में वही जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीजा के VXI वर्जन का। तो ब्रीजा के VXI वर्जन का फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है, काफ़ी स्टाइलिश बोनट डिज़ाइन, काफ़ी बल्कि स्टाइल में आपको नजर आता है। हेडलाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंगल हेलोजन हेडलाइट मिलती है विद इंडिकेटर के साथ में, हल्का सा क्रोम का फ्रीशिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। कार्बन की आपको ग्रिल नजर आएगी, साथ में क्रोम का कुछ टच आपको देखने के लिए मिलेगा जो कार की लुक को डिसेंट और प्रीमियम और भी बेहतर बनाता है। साथ में जो इंडिकेटर है वो आपको काफ़ी डिसेंट सा और काफ़ी बढ़िया आपको फील कराता है इस कार के अंदर। नीचे वाले बम्पर के पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक पार्ट के साथ में नजर आता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर बम्पर ब्लैक पोर्शन के साथ नजर आएगा, काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी मस्कुलर इस कार को फ्रंट प्रोफाइल से बनाता है। इसके अलावा मैं आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ, तो इंडिकेटर आपको देखेंगे, आप जलेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। वहीं बात करते हैं दूसरी साइड में हम ZXI वर्जन के बारे में। तो ZXI वर्जन में आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी अपडेटेड। यहाँ पर आपको DRL मिलेंगी डुअल पर्पज, साथ में इंडिकेटर आपको डुअल पर्पज से नजर आएगा, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे नजर आएगा इसका DRL, और नीचे जो है आपका इंडिकेटर ऊपर की तरफ इंडिकेटर, नीचे DRL, डुअल पर्पज आपको मिलेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद DRL के साथ में यहाँ पर आपको मिलेंगे व्हाइट कलर के DRLs। वहीं आपको VXI में मिलते हैं येलो कलर वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ग्रिल ऑलमोस्ट सेम है दोनों कार के अंदर, जो ग्रिल है वो आपको कॉमन ही नजर आती है, बट नीचे वाले बम्पर में आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे। नीचे की तरफ आपको एक्सटेंडर नजर आ जाएगा, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक्सटेंडर दिखेगा जो गाड़ी की लुक को और भी मस्कुलर बनाता है। तो देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल से आपको जो चेंजेस नजर आते हैं, फ्रंट प्रोफाइल में आपका जो बम्पर आपका जो हेडलाइट है वो आपको चेंज नजर आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। इसके अलावा ZXI की चाबी आपको कुछ इस तरीके से अवेलेबल होती है। आप देखेंगे ZXI की ये चाबी आपको स्मार्ट रिमोट के फंक्शन के साथ अवेलेबल होती है, वहीं VXI की चाबी आपको कुछ इस तरीके से अवेलेबल होती है। हालांकि दोनों में ही आपको लॉक अनलॉक के फंक्शन मिल जाते हैं, बट चाबी और रिमोट का आपको दोनों के अंदर फर्क नजर आ जाता है। अब बात करते हैं दोनों के साइड प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ब्रीजा VXI के साइड प्रोफाइल के साथ में। तो साइड प्रोफाइल आपको इस तरीके से नजर आता है, व्हाइट कलर के साथ में जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक टचअप का, वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है और काफ़ी प्रीमियम इस कार को बनाता है, इसीलिए इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं ए पिलर बी पिलर सी पिलर के साथ में। तो ए पिलर बी पिलर सी पिलर आपको मिलता है ब्लैक टेप आउट कॉम्बिनेशन के साथ में, फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन मिलता है, साथ में आपको ऊपर की तरफ एक एंटीना भी नजर आया VXI मॉडल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आपको आउटसाइड मिरर यहाँ मिल जाते हैं, जो काफ़ी कन्वीनियंट आपको देते हैं, आप अंदर से बैठे बैठे एडजस्ट भी कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। साथ में उस पर LED का इंडिकेटर आप देख सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया आपको फील कराता है और काफ़ी बेहतरीन आपको दिखता भी है। इसके अलावा व्हील आर्च क्लाइडिंग आप देखेंगे तो VXI मॉडल में व्हील आर्च क्लाइडिंग आपको नजर आती है, जो आपके फ्रंट बम्पर से लेकर रियर बम्पर तक जाती है, जो काफ़ी मस्कुलर इस कार को बनाती है। और जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है वो आपको साइड इस कटिंग्स पे भी नजर आता है, आप देखेंगे तो वो साइड पे भी आपको दिख जाएगा। टायर डायमेंशन आपको व्हील कवर ऑप्शन के साथ नजर आती है, 16 इंची का टायर आपको यहाँ अवेलेबल हो जाता है, हालांकि यहाँ स्टील रिम और कवर का ऑप्शन ही आपको अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल की ZXI वर्जन की। तो ZXI का साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आएगा, बट कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो काफ़ी अपडेटेड आपको मिलते हैं। हालांकि फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन आपको कॉमन ही नजर आएगा, सबसे ऊपर की तरफ आपको यहां पर देखेंगे तो आपको ऊपर रूफ रिल्स नजर आ जाती हैं, जो इसमें अपग्रेड आपको चीज़ मिल जाती है, यानी कि ZXI वर्जन में आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है कि रूफ रिल पर जो अपग्रेडेशन आपकी रूफ रिल्स की होती है।
ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर आपको सेम कलर कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होती है। और इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा दरवाजे पे, साथ में आउटसाइड मिरर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल कॉमन ही नजर आता है। टायर की डायमेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है जो मशीन कट ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है, कलर कॉम्बिनेशन ग्लोसी डिजाइन के साथ में। तो ये फर्क आपको देखने के लिए मिलता है सिर्फ आपके ZXI वर्सेस VXI वर्जन के साथ में। साथ के हाथ दोस्तों बात करते हैं रियर प्रोफाइल में, तो रियर प्रोफाइल में VXI वर्जन में आपको डिफोगर, ऊपर की तरफ एंटीना, हाई स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है, साथ में ब्रीजा की बैजिंग आप देख सकते हैं, LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं जो इस कार की सबसे अच्छी खास बात है, वो आपको नजर आती है इसकी रियल लाइट्स कॉम्बिनेशन के साथ में। नीचे आपको ब्लैक कलर का बम्पर दिख जाएगा, साथ में उसमें 4 eyes पार्किंग सेंसर आपकी कार को सेफेस्ट बनाते हैं। इसके अलावा स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ नजर आएगी और 328 लीटर के आसपास का आपको मिलता है इसके अंदर लार्ज बूट स्पेस। आप देखेंगे यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है VXI मॉडल में, और 60-40 फोल्डेबल सीट आपको VXI में अवेलेबल नहीं होती है। हेडरेस्ट आपको हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल मिलेंगे, दोनों का रियर केबिन ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, बट फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क आपको मिलने वाला है रियर केबिन के अंदर। अब बात करते हैं ZXI वर्जन में क्या चेंजेस आपको मिलता है रियर प्रोफाइल के अंदर। तो दोस्तों रियर प्रोफाइल में आपको सिर्फ एकमात्र चेंज देखने के लिए दो चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपको यहाँ पर डिफोगर वाइपर का ऑप्शन नजर आ जाता है, उसके अलावा आप नीचे की तरफ देखेंगे नंबर प्लेट के ऊपर आपको यहाँ पर एक कैमरे का ऑप्शन नजर आ जाता है। इसके अलावा बूट गेट अगर एक्सेस करते हैं तो बूट गेट एक्सेस करने के बाद आपको एक डिफरेंस और नजर आएगा, आपको इसमें पार्सल ट्रे का ऑप्शन दिख जाएगा, साथ में आपको केबिन के अंदर एक लाइट का ऑप्शन भी नजर आ जाएगा। हालांकि जो स्पेयर व्हील है वो दोनों में आपको कॉमन ही नजर आता है। ZXI वर्जन में आपको 60-40 फोल्डेबल रियर सीट मिल जाती है, जो आपकी रियर सीट है वो आपको 60-40 फोल्डेबल के ऑप्शन के साथ नजर आ जाती है। तो देख सकते हैं ये है आपका ZXI का रियर प्रोफाइल। बम्पर में आपको 4 eyes पार्किंग सेंसर पीछे का जो बम्पर है उसमें भी आपको थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जो स्कर्टिंग्स है वो आपको सिल्वर कलर वाली जो स्कर्टिंग है वो आपको यहाँ पे नजर आती है, इसके अलावा आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगे। देखेंगे आपको ये ZXI वर्जन का रियर प्रोफाइल है, वहीं आपका VXI का ये रियर प्रोफाइल है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कार के अंदर के इंटीरियर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ZXI वर्जन में क्या चीज़ आपको ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू VXI मॉडल के मुकाबले। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन नजर आएगा आपकी पीछे की रियर विंडो पे, साथ में सिल्वर एक स्ट्रिप आपको नजर आएगी, क्रोम का डोर हैंडल आपको दिख जाएगा, और रियर वाली जो सीट है वो आपको 60-40 फोल्डेबल मिल जाएगी। साथ में उसमें आपको मिलेगा हेडरेस्ट जो आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो कप होल्डर के साथ मिलेगा एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन, देख सकते हैं ये आपका केबिन रियर केबिन का जो स्पेस है वो आपको नजर आएगा। सबसे अच्छी बात आपको ब्रीजा में पीछे की तरफ भी एक केबिन के अंदर लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा AC वेंट आपको VXI और ZXI दोनों ही वेरिएंट में मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट नजर आएगा, यानी कि आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ। वहीं बात करते हैं VXI में क्या चेंजेस आपको नजर आते हैं। हालांकि दोस्तों मैं LXI का भी कंपैरिजन वीडियो बना चुका हूँ, LXI वर्सेज VXI का, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको भी देखें, मेरे चैनल पर जाके विजिट करें, ताकि आप अपना LXI और VXI का जो डाउट है वो भी क्लियर कर सकें। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन नजर आता है VXI वर्जन के अंदर, सिर्फ यही माइनर सा फर्क आपको दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक कलर की जो स्ट्रिपिंग है वो यूज़ की गई है, डोर हैंडल पे ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर स्पेस ये सब आपको कॉमन ही नजर आता है। पीछे का जो स्पेस है वो भी आपको यहाँ पर हालांकि सेम ही रखा गया है, बट सीट की फ्लेक्सीबिलिटी में थोड़े से चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, और रियर में केबिन में आपको लाइट देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके अलावा हेडरेस्ट आपको दोनों ही कार के अंदर एडजस्टेबल मिलते हैं, ये सीट आपको पूरी फ्लैट फोल्डेबल के ऑप्शन के साथ नजर आती है। पीछे AC वेंट आपको नजर आएगा, हालांकि यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट की कमी आपको थोड़ी सी खलती नजर आएगी। ZXI में आपको चार्जिंग पोर्ट भी नजर आएगा। केबिन के अंदर आपको यहाँ पर एक लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको ड्राइवर, को ड्राइवर और पैसेंजर केबिन के बिल्कुल बीच में दिया गया है, यानी कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं VXI मॉडल में ड्राइवर साइड इंटीरियर की, तो ड्राइवर साइड में क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर साइड विंडो के बारे में, तो ड्राइवर साइड विंडो पे आपको यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक कलर का फैब्रिक आपको नजर आएगा, चारों पावर विंडो के बटन, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर का बटन आपको यहाँ नजर आएगा, जिससे आप इजिली एक्सेस करके आउटसाइड मिरर को इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकें। विंडो पे आपको यहाँ पे कोई क्रोम की फिनिशिंग देखने के लिए नहीं मिलती, बोतल होल्डर, पेपर होल्डर के स्पेस आपको बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही नजर आएंगे। फैब्रिक ट्रिम आउट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का फैब्रिक ट्रिम आउट देखने के लिए मिलता है, जो आपकी सीट में आपको नजर आएगा, ब्लैक कलर का थीम नजर आएगा, साथ में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन यहाँ आपको दिख जाएगा।
फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग यहाँ देख सकते हैं, आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा जिसपे आपके म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यूजिक स्टीरियो के कंट्रोल आपको नजर आएंगे, जिसके अंदर आपको कॉल कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड जैसे ट्रैक चेंज, वॉल्यूम कंट्रोल बटन नजर आएंगे। सुजुकी का लोगो आप यहाँ देख सकते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग का दोस्तों फायदा है, आप कंफर्टेबली इसको चला सकते हैं, बैठ सकते हैं, निकल सकते हैं और लगा सकते हैं आराम से। आप अपनी कार की यूटिलिटी को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको डिजिटल एनालॉग दोनों ऑप्शन के साथ मिलेगी। हालांकि ZXI में थोड़ा सा अपग्रेड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको वहां पे नजर आने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर मल्टी इन्फॉर्मेशन म्यूजिक स्टीरियो की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपका जो म्यूजिक स्टीरियो है वो आपको नजर आएगा। पहले मैं इसके फैन की स्पीड थोड़ी सी कम कर लूं ताकि वॉइस थोड़ी सी अच्छी आ सके। म्यूजिक स्टीरियो मिल जाता है स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ में, जिसमें आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन जैसे काफी अपडेट फंक्शन मिलते हैं। नेविगेशन, आहार, रेडियो काफी अपडेट इसके अंदर किया गया है। इसके अलावा ये ब्लूटूथ यूएसबी ऑक्सिलरी को दोस्तों अब सपोर्ट नहीं करता है, माफी चाहूंगा, ऑक्सिलरी का ऑप्शन अब इसके अंदर नहीं अवेलेबल होता है। यूएसबी और ब्लूटूथ कॉल कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन जैसे सभी फंक्शन को ये सपोर्ट करता है। इवन इतना स्मार्ट है आप अपनी व्हीकल को ट्रैकिंग कर सकते हैं, मोबाइल में आप एक एप्लीकेशन के थ्रू इस पूरी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में इसी इवेंट में सेंटर कंसोल में आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रिप नजर आती है जो काफी बेहतरीन सी आपको नजर आती है, सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। इसके अलावा ट्विटर की जगह दी गई है, हालांकि ट्विटर आपको VXI वर्जन में नहीं मिलता है। स्टाइलिश सा आपको मिलेगा इसका देखने के लिए डैशबोर्ड डिजाइन जो काफी अपडेट किया गया है लास्ट प्रीवियस वर्जन के मुकाबले। पीछे बैक व्यू मिरर आपको मिल जाता है सिंपल एंड श्योर लाइट नाइट ऑप्शन के साथ में। माइक का ऑप्शन आपको यहां नजर आएगा, साथ में सनवाइजर पे अगर बात करें तो सनवाइजर पे एक ग्लास का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ड्राइवर साइड में आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही देखने के लिए मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ भी आपको ड्राइवर साइड में नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, बात करते हैं म्यूजिक स्टूडियो में। यहाँ पे आपकी पार्किंग लाइट दे दी गई है, इस इवेंट सिंपल रखे गए हैं, हालांकि इनको थोड़ा सा क्रोम या थोड़ी सी टचअप दिए जाते तो थोड़ा सा और डिसेंट इस कार के इंटीरियर को VXI मॉडल में बनाया जा सकता था। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेंगे जो काफी बढ़िया और काफी बेहतरीन फीचर आपको VXI मॉडल यानी कि आपको मिड मॉडल में ही मिल जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है। एसी जो आपकी गियर नॉब है वो आपको बिल्कुल बेसिक सी नजर आती है, नीचे की तरफ आप छोटा मोटा मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। हालांकि सबसे टॉप एंड वर्जन में आपको ZXI प्लस में यहाँ पर चार्जिंग का वाईफाई चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे USB ऑक्सिलरी के पोर्ट आपको नजर आएंगे। दो का फोल्डर आप यहाँ देख सकते हैं, दो का फोल्डर आपको मिल जाते हैं आपके ड्राइवर साइड और को ड्राइवर की साइड में। छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस आप यूज कर सकते हैं आपकी गियर नॉब के हैंड ब्रेक की नॉब के पीछे, एंड यहाँ छोटा मोटा सामान आप अभी भी रख सकते हैं, कॉइन्स वगैरह भी इजीली रख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा आपको मिलने वाला है एज कम्पेयर टू अदर के मुकाबले, तो ये सबसे अच्छी बात है। आप ज़्यादा लगेज इसके अंदर कैरी कर सकते हैं, यानी कि छोटी मोटी जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो आप ज़्यादा यूटिलाइज यहाँ कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका VXI मॉडल का इंटीरियर क्लास। तो अब बात करते हैं ZXI मॉडल में जो इंटीरियर में चेंजेस आते हैं वो काफ़ी बड़े चेंजेस आपको नजर आने वाले हैं, तो चलते हैं ZXI वर्जन के अंदर। तो चलिए दोस्तों ZXI में बैठ के दिखाता हूँ। दोस्तों माफी चाहूंगा थोड़ा सा, ZXI भीड़ वाले एरिया में खड़ी है, सिर्फ मैं बहुत एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे बैठ पाऊंगा इस कार के अंदर, बाकी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यूट्यूबर्स को जनरली शोरूम वाले परमिशन देते नहीं है और इनकी गाड़ी जहाँ खड़ी होती है वो बोलते हैं आप वहीं शूट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, तो बस उसी को एडजस्ट कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको टचअप मिलता है ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन, हालांकि VXI और ZXI के जो पावर बटन्स हैं वो आपको कॉमन ही नजर आते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर का ऑप्शन जैसे VXI में देखा वैसे ही मिलेगा, बट एक चेंज देखेंगे यहाँ पर आपको सिल्वर स्ट्रिप जैसे पीछे मिली थी ZXI में वैसे ही मिलती है, और ये ब्राउन कलर का जो ऑर्नामेंट है वो काफ़ी बढ़िया आपको इस मॉडल के अंदर लगता है। क्रोम का डोर हैंडल मिल जाएगा, हालांकि यहाँ ट्विटर के अंदर आपको ट्विटर स्पीकर भी नजर आएंगे। अब बात करते हैं इस कार में बैठ के दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात पहले मैं कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर आपको क्या चेंजेस मिलते हैं, क्योंकि पावर स्टीयरिंग इसका लॉक है अभी। तो दोस्तों सबसे पहले मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे आपकी नज़र पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको मिलता है डिजिटल एनालॉग दोनों ही ऑप्शन, बट काफ़ी अपडेट इसको किया गया है, इसके अंदर काफ़ी अपडेटेड फंक्शन आपको मिल जाते हैं। आप देखेंगे इसके जो फ्यूल इंडिकेशन वगैरह है वो भी आपको अब डिजिटली यहाँ पे नजर आएंगे। बाकी थोड़ा सा स्टाइलिश है एज कम्पेयर टू VXI मॉडल के मुकाबले, थोड़ा सा इसको रिफाइन किया गया है, काफ़ी अपडेट किया गया है। इसके अलावा नीचे स्टीयरिंग पे आपको पैडल शिफ्टर यहाँ नजर आएंगे, साथ में दोनों तरफ पैडल शिफ्टर दिखेंगे। क्रूज कंट्रोल का एक एडवांस फीचर आपको इसके अंदर यहाँ नजर आएगा, और नीचे की तरफ आपको झांकता हुआ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप बटन भी नजर आएगा। वहीं आपको हिल होल्ड जैसे फंक्शन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप जैसे फंक्शन दोनों कार में कॉमन मिलता है, तो मैंने दिखाने की कोशिश फोन
नहीं की है। हालांकि यहाँ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको मिलता है, इसमें भी सेम ही फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग इस्तेमाल किया गया है। अगर इसको लेदर वैप किया जाता तो थोड़ा सा और बेहतरीन आपको ZXI मॉडल का फील आ पाता, बट स्टीयरिंग आपको ऑलमोस्ट दोनों ही कार के अंदर कॉमन नजर आता है। बट जो आपका ZXI वर्जन है उसका जो म्यूजिक स्टीरियो थोड़ा सा रिफाइन मिलता है, आप साउंड सुन भी चुके हैं तो एकदम से मैंने साउंड ओपन किया तो वो ओपन हो गया। बट इसके अंदर आपको एक एडवांस फीचर मिलता है दोस्तों, अब वहाँ पर आपको वॉइस कमांड फैसिलिटी मिलती है जो गूगल असिस्टेंट या आपकी जो आपकी आईफोन की सीरी है उसको कमांड करती है। बट यहाँ पर आपको एक सुजुकी कनेक्ट वाली मिल जाती है इसके अंदर कमांड, यानी कि आप इसकी जो कमांड है वो सुजुकी वाली कमांड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेजर बदलाव आपको म्यूजिक स्टीरियो में मिलेगा। हालांकि म्यूजिक स्टीरियो में मैं बात करूं फंक्शन की तो ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शन मिलते हैं, बट इस म्यूजिक स्टीरियो में आप वॉलपेपर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे स्क्रीन का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, एवरेज वगैरह फ्यूल इकोनॉमी वगैरह आप यहाँ पे सीधी डायरेक्टली देख सकते हैं। बट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं फंक्शन की तो दोनों में कॉमन ही मिलते हैं, आपको आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, ऑटो एंड्रॉइड वर्जन मिल जाते हैं, और वहां पर आपको आईफोन में आपकी सीरी कमांड मिलती है, गूगल असिस्टेंट मिलती है, यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट भी प्लस हो जाती है उन दोनों के साथ साथ। कैलेंडर वगैरह के ऑप्शन यहाँ दिख जाते हैं, पेयर डिवाइस वॉलपेपर, और ये आप फिनिशिंग देखेंगे तो यहाँ पर भी सिल्वर कलर की जो फिनिशिंग है वो देखने के लिए मिलती है, बट यहाँ पर आपको ब्राउन कलर वाला जो ऑर्नामेंट है वो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मुझे ज्यादा अच्छा वो लगा ब्लैक वाला जो कलर है वो ज्यादा बेहतर आपको नजर आता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको कॉमन ही नजर आएंगे, सेम ही आपको मिलेंगे। हालांकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है ऑटोमेटिक गियर नॉब जिसपे आपको बटन्स नजर आएंगे, हालांकि यहाँ पर स्पेस कॉमन ही रखा गया है, किसी तरीके का कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला। सीट के फैब्रिक में थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए आपको अपग्रेड मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन नजर आएगा देखने के लिए। हालांकि ग्लोब बॉक्स का स्पेस वगैरह सब कुछ कॉमन ही रखा जाता है तो वो ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। बट ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको ऊपर की तरफ कुछ चेंजेस, सनग्लास होल्डर काफ़ी यूटिलिटी वाली चीज़ है, आप बहुत आराम से अपने ग्लासेस को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, आराम से रख सकते हैं और नीचे रखने के बाद वो टूटते भी नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे केबिन के अंदर यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है देखने के लिए, ऊपर की तरफ आपको सेम ही मिल जाता है सनवाइजर पे एक जो गिलास है वो, बट यहाँ पर आपको एक लाइट का ऑप्शन भी नजर आएगा, यानी कि आप देखेंगे तो आपकी जो को ड्राइवर सीट है यानी कि अगर भाभी गाड़ी के अंदर बैठी है वो मेकअप कर रही है तो आप लाइट भी जला सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फीचर है। ऊपर की तरफ आपको सनरूफ मिल जाएगी, जो सनरूफ है वो आप देख सकते हैं, सनरूफ आपको यहाँ नजर आएगी तो आप देखेंगे यहाँ पर सनरूफ है जिसको आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपी दोनों ऑप्शन के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू VXI के मुकाबले ZXI में आपको सनरूफ ज़्यादा मिल जाती है। हालांकि सनरूफ के बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपकी लाइट है केबिन की उसके अंदर ही आपको सनरूफ का बटन भी नजर आएगा। बाकी दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों ऐसे और ढेर सारे कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, तो मेरे चैनल पर आपको ढेर सारे कंपैरिजन वीडियो मिलेंगे, हालांकि मैंने VXI और ZXI का कंपैरिजन वीडियो भी बनाया। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपडेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।